और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम आज एकता होने के पीछे 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज देश और दुनिया में पहले सभी हिंदुस्तानी गणतंत्र पर्व मना रहे हैं। इस गणतंत्र पर्व पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देश की आजादी की जंग कितने वर्षों तक लड़ी गई, अनगिनत पीढ़ियां कब गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजार दी। मर मिटने वाले देश के लिए समर्पित हो सभी वीर और वीरांगनाओं और महापुरुषों को मेरा सलाम। आज मैं आपको वर्तमान भारत का परिचय देना चाहता हूँ। साथियों, ये देश राजनेताओं ने नहीं बनाया, ये देश शासकों ने भी नहीं बनाया, ये देश हमारी सरकारों ने भी नहीं बनाया, ये हमारा देश उन गरीब किसानों ने बनाया है, हमारे देश के उलेमाओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने, कोटि कोटि जनों की तपस्या से, मेहनतों से, कोशिशों से ये देश आज यहाँ पहुंचा है। इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों ने दी है और देश आज नफरतों की तरफ चल पड़ा है। और जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखना पड़ेगा और इतिहासकारों को मजबूरी के साथ लिखना पड़ेगा कि 21वीं सदी में हमारे देश की सरकार और हमारे देश का मीडिया हमारे देश के नागरिकों को अपना लुप्त रहने के लिए, राजी करने के लिए वोट लेकर के दिल्ली की सत्ता पर आसीन हो चुकी थी। और उस वक्त हमारी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा था तो सिर्फ यही था कि गाय, गंगा, गोमूत्र, ये बड़े बड़े मुद्दे लेकर हमारे बीच हमारी सरकार आई थी। और सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, सरकार ने भी कुछ किया तो तीन तलाक, लव जिहाद, देशद्रोही, यानी बड़े बड़े मुद्दे हमारे बीच में लेकर आई। और ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमारे देश में आज सबसे बड़ी जो कमी है वो एक है ह्यूमैनिटी, दूसरी एजुकेशन। एजुकेशन और ह्यूमैनिटी के बगैर हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। और आज हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए बहुत सी तंजीमें कोशिश में लगी हैं और देश को नफरतों की तरफ ले जा रही हैं। और उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि देश के अंदर अमन की फिजाएं कायम हो तो आइए एक साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हिंदुस्तानी मिलकर के इस देश के लिए आगे आइए। और आज वक्त है शिक्षा का, शिक्षा के बगैर हमारा मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता। इस शिक्षा की वजह से ही हम दुनिया की कोई भी ताकत को ले सकते हैं। सोच को बदलोगे तो सिताए बदल जाएंगे और नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ दिशाएं बदलनी है और किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो आइए इस प्रांगण से हम ये संदेश लेकर के हैं कि हम अपने देश के अंदर इंसानियत और शिक्षा के अलग जगाएंगे। और इस संविधान के प्रश्न में एक बात छोटी सी कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ये संविधान निर्माताओं के हमारी है जो उन्होंने इतना बेहतर संविधान दिया है, जिस संविधान में हमें हक दिया गया हर एक धर्म को कि आप आइए और देश में आराम से अमन चैन से रहिए और हम साथ चले, मिलकर चले, मिलकर सोचे और मिलकर देश के लिए कुछ काम करें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मास्टर साहब।